डी से हम स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री पर डॉट लगाएंगे एंड सेम एंडिंग पॉइंट से भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देन उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। वो लाइन भी हमारी 15 ही सेंटीमीटर पर जॉइंट होगी। देन इसका सेंटर लेना है हम लोगों को। सेंटर लेने के लिए हम 15 का हाफ 7.5 पर डॉट लगाएंगे। और उसके बाद इस कॉर्नर से यानी लाइन के अपोजिट एंगल से एक सेंटर डॉट लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस। इससे हमें हमारा सेंटर डॉट मिल जाएगा एंड देन कंपास की हेल्प लेते हुए हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम देख लेंगे ये हमारे तीनों डॉट्स पे इक्वल आएगा। इट मींस दैट हमारा सेंटर परफेक्ट आया है। उसके बाद हमने सर्कल बना लिया। देन जिस भी लाइन से हमें चाहिए उसको उतने डिजाइन के साथ हम बनाते गए। और ग्रिड बनाने के लिए जैसे हमने सर्कुलर ग्रिड बनाई थी सिमिलर वे में हमें बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हाफ कंपास लेके डॉट पे रख के 10-10 डिग्रीज पर डॉट लगा लो। 10-20 जितना भी आपको गैप चाहिए अपने उसमें आप लगा सकते हैं। सिमिलरली अब इसको आप अपोजिट कर देंगे। जो स्टार्टिंग डॉट है और एंड डॉट 0-0 पे होना चाहिए एंड देन इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया। आप चाहें तो फुल सर्कल भी ले सकते हैं और उसके थ्रू भी आप डॉट लगा सकते हैं। फुल सर्कल जो होता है आपका इस टाइप में होता है और एक ही बार में आपका सारे डॉट्स लग जाते हैं। अब स्केल की मदद से सेंटर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन से आपको जोड़ना है लाइक दिस। सिमिलरली स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ग्रिड्स हम वहीं तक लेंगे जहां तक कि हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे हम ट्रायंगल शेप बना रहे हैं तो ट्रायंगल के बाहर हम नहीं निकालेंगे। ट्रायंगल में दो और वेरिएशंस होती हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब हम उन दो नई वेरिएशंस को भी सीखेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से लुक करेगा और इसमें फिर हम अपना मंडाला डिजाइन बना सकते हैं। Thank you.